बता दूं कि उपभोक्ता से किसी प्रकार का शुल्क मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात, इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रखते हैं, वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है और हरेक दृष्टिकोण से इसको सही पाया गया, उसके बाद ही उनको कार्यादेश निर्गत किया गया है। तीसरा बिल श्री दिवाकर सिंह, जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है, बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कोई लेना देना नहीं। अर्थात उन्होंने बिजली का अधिक कंजम्पशन किया है, अधिक यूनिट का खपत हुआ है, इस कारण से अधिक बिल हुआ है। हाँ, 17% कम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से के करीब कंज्यूमरों का उपभोक्ता है, 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहां से ज्यादा आ जाएगा। काहे को नाराजगी है, जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। आपने केंद्र सरकार का एग्जांपल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इसको बंद कर दिया गया है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी लगना ही शुरू हुआ था, बिहार 7-8 राज्य के लोग आए थे, बिहार पहला स्टेट है। गुजरात में स्टडी पर रोक दिया गया है, अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया। छोड़िए क्या रोका गया नहीं रोका गया, हमारे यहाँ तो 50 लाख लग चुका है, हम तो 1900 से शुरू किए। लोग जनता विरोध कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगा चाहिए। तो हम लोग सरकार में आने से विरोध करके नहीं आया, हम लोग आए हैं, लोकतंत्र में विरोध होता है। लेकिन लेकिन जब मोबाइल में बिल ज्यादा नहीं आता तो मशीन कहाँ से बेईमान हो जाएगा, उसमें ज्यादा बिल आएगा। लेकिन सर, जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी मीटर लगाने गांव में जा रहे हैं, उनको खदेड़ दिया जा रहा है। बार बार प्रश्न मत कीजिए, एक बार सुनिए, 8000 मेगावाट पिछले दिनों गया कंजम्पशन, 8000 मेगावाट का रेवेन्यू आना चाहिए कि नहीं। 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। सुन तो लीजिए पहले, हम कहा क्यों, कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी तो खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइन चलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है तो ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए भी मशीन जो है काम करता है। क्या कह रहे हैं सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इसके स्मार्ट मीटर के ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन किए हुए हैं, एंड दे हैव नॉट अलाउड इन देयर टेरिटरी टू बी इंस्टॉल्ड दिस मीटर। बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है, जिसका मतलब हम भी वही काम करें। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है, हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर ज्यादा है, अन्य स्टेट में
इंडस्ट्री ज्यादा है, उसको प्रॉफिट में आता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना इन राज्य से मतलब क्या मानता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, एक और विपक्ष भी आप पर लगातार हमला पर है, एक तरह से सरकार में है कि सरकार बनेगी तो दोस्तों तो विपक्ष नेता कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो कभी आएगी ग्रीन बिजली की बात, और धीरे धीरे स्मार्ट मीटर आपका राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता है। चिंता की कोई बात नहीं, हमारी चिंता का विषय है, आपके चिंता का विषय तो है नहीं। मीटर लगाना बंद होगा या फिर कोई बंद होने की बात नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं, अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? तो सर आप इनके एक्ट को जस्टिफाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया, इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनमस बॉडी था, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है, पहले से था लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में, आंदोलन हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सपोर्ट कर दिया, 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसवी में, पीके सिन्हा साहब 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी, इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया। डिटेल बता लीजिए टेंडर का, टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम यह है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटी है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई, टेंडर डिसाइड हुआ, हाईकोर्ट चले गए एक कंपनी, हाईकोर्ट ने कहा कि टेंडर करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट गई, 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया इस आधार पर। इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज्यादा बिल आएगा? उपभोक्ताओं का डाटा कैसे चला जाता है जिससे फोन करके लोग ठगी कर रहे हैं, आखिर ये डाटा कहाँ से लीक हुआ? बैंक में कैसे चला जाता है, अपराध करने वाले लोग दुनिया में हैं?
केवल एक ही जगह और बैंक से भी जो कर लेता है। सर अभी तक बिजली कंपनी ने इसके संदर्भ में कोई FIR तक भी नहीं कराया है। कंप्लेंट आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर एक आरोप लगता है कि मीटर है बहुत तेज चलता है, पब्लिक का जिला से 50 लाख लोगों के घर में लगे हुए हैं कंज्यूमर में, तो तेज चलता तो सबकी शिकायत आती ना। 1-2 लाख नहीं है, 1-2 हजार में 50 लाख। आप भी ऐसा है ना, कलमे से लिखिए इस सब मशीन को हटा दीजिए। नहीं नहीं सर, एक आप भी इसको हटाइए, कलमे से न्यूज लिखिए और छापिए। सर एक उपभोक्ता होने के नाते सर प्रीपेड मीटर में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, मैं छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है सब चीज ठीक है सर, लेकिन जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है सर, उस पर जरा आप जाइए हेल्पलाइन पर, आप जब भी डालेंगे सर वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होता है। आप फोन लगाएंगे सर, आप लिख के दीजिए, इसको निराकरण किया जाएगा। ये इंडिविजुअल बातों को मत कीजिए, आम लोगों की बात कीजिए, इंडिविजुअल कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए एक बात सुन लीजिए, कहीं क्या सैटरडे संडे मीटर चार्ज नहीं होता है? कौन कह दिया चार्ज होता है? सब ये मीटर चार्जिंग राउंड का क्लॉक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 1912 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, हर घर बिजली पोर्टल है, उस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। पिछले 3 माह में 20,000 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 19,000 का निराकरण किया जा चुका है। प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 1 बजे तक, प्रत्येक शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे तक डिवीजन स्तर पर सारे पदाधिकारी, रेवेन्यू वाले, सप्लाई वाले, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब मौजूद रहते हैं और उपभोक्ताओं की एक एक शिकायत का निराकरण किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार में पिछले 15 दिन में 3,000 शिकायतें आई हैं, साउथ बिहार में 2,000 शिकायतें आई हैं, उसमें से टोटल मिलाकर 5,000 शिकायतों में से 4,600 शिकायतों का निराकरण हम लोग कर चुके हैं, सब ऑन द रिकॉर्ड है। जहां तक रही किसी की व्यक्तिगत समस्या की बात, हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात करके आपकी समस्या का निराकरण करा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक बात सुन लीजिए, करते हैं ये लोग जबरदस्ती लगवाते हैं, उखड़वाते हैं मीटर्स। कौन जबरदस्ती लगाएगा, खुलाएगा? नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आके बिजली हम देते हैं, तो बिजली का बिल लेंगे कि नहीं? मुफ्त में बिजली लेंगे तो जो जबरदस्ती लगा रही है, अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया, तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी, कुछ लोग तो शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 300 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRPIPC कानून बनाया, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ हत्याएं नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है यार? तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उनमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है विभाग में गड़बड़ी की शिकायत? खजाने से पैसा निकल गया, उस पर कोई प्रश्न नहीं है ना? आंदोलन करना आपका काम है। मैंने कहा सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए, बकबक मत कीजिए। 2015-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था, पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है। जो लोग काम कुछ नहीं करें, वो आरोप बेसी लगा रहे हैं, आलोचना बेसी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं कि अस्थाई रूप से लोगों को सुविधा मिले। आप गांव में चले जाइए, कितनी खुशी है लोगों को, कैसे हम लोगों को इतना वोट दिया लोगों ने। सर कांग्रेस और राजद दोनों कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगला चुनाव का मुद्दा होगा तो फ्री देने के लिए, तो जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ 2100 यूनिट फ्री दे रहा है। यहाँ तो ऐलान कर रहे हैं, अरे छोड़िए ना, यहाँ बहुत बात ऐलान, यहाँ ऐलान किया था कभी जो घोटाला करेगा, घोटाला किसे कर दिया, ऐलान बोल रहे हैं। सर जो जनता दिग्भ्रमित है स्मार्ट मीटर को लेकर, अब प्रचार करने भी लोग जाते हैं तो बमबारी होती है,
प्रधानमंत्री पे भी गोली चली थी, अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार है अमेरिका में उसे गोली नहीं चली, वो एक अलग राजनीतिक विरोध है। सर एक मैसेज क्या जाएगा जिस बिहार में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर जो एमडी है आपके विभाग के उनको डिबेट लगाने वाली कंपनी गिफ्ट में कार देती है? कौन सी गिफ्ट? गिफ्ट में कार देती है, इसका कोई सबूत है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ टेंडर का, हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, तो आप लोग भी कुछ लोग भी आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है तो क्या हो गया वो? फिर भाई फालतू बड़ा बात है सर, समस्या होती है कि बिल जमा करने के बाद सारे घंटे से कॉल नहीं आया है, बिल जमा करने के बाद भी कई उसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपने ये बात कही कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उसमें रिचार्ज कराने के बाद भी कुछ समय उसको कनेक्ट होने में लग जाता है, इसको हम लोग निराकरण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही सप्ताह 10 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर में जो थोड़ा बहुत समस्या था उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, सप्ताह 10 दिन के अंदर इसका निराकरण हो जाएगा। आगे से बात नहीं है क्या? पूरे बिहार में हंगामा करेंगे करें, मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख कंज्यूमर के घर में लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो भयंकर आंदोलन होता। सर गड़बड़ी की समीक्षा होगी क्या? निश्चित तौर से शिकायत सर, आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है इसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता, कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायत आती है, शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो है लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। सर, अच्छा एक चीज और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग उसको छूट देते हैं, दो गुना। सर कोई कह रहा है कि मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून में प्रोविजन है सरकारी संपत्ति के क्षति का, जो कानून में प्रोविजन है कार्रवाई की जाएगी। आप ही का ये छीन ले कोई कार्य क्या कीजिएगा, एफआईआर कीजिएगा, कार्रवाई होगी ना। अच्छा पोस्टपेड, अच्छा सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है, जो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी से महंगी बिजली खरीद कर बिजली विभाग उपयोग कर रहा है। वो जो कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है ना उसे हम बिजली नहीं खरीदते हैं, हम लोग बिजली एनटीपीसी से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीद कर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो जनरेशन की सारा चीज हम लोगों ने भारत सरकार से ले लिया है। सर कि साइबर फ्रॉड स्मार्ट मीटर हो गया, सबको कंफ्यूजन है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? 50 लाख लोगों के घर में जो बिजली लगी तो कौन सा कंफ्यूजन हुआ? कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। हाँ एक बात कहूँ क्या सर, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सर, आप सभी मीडिया वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी बिजली बिल बेसी आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए, और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो, और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को, उस सब बातों को डिटेल आप बता दीजिए। बिल्कुल, ये स्मार्ट मीटर की जो कंपनियां हैं 5 कंपनी ये रेगुलेट कर देंगे। नहीं एक बता दीजिए, कमी नहीं है मतलब नहीं जगता बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है, और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 स्मार्ट मीटर लगा है तो दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है, ये आंकड़ा मैं दे दूंगा, घटा है बिल घटा है। जगता हो के नाम से उपभोक्ता बोल दीजिए, नाम बोलिए, श्री जगदानंद सिंह।
जरा जगता हुआ, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे, उनका बिल देखें जरा, बता दीजिए तीन तीन जगह उनका कनेक्शन है, एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से, बता दीजिए तीनों का क्या आया एक साल में, बता दीजिए। रीडिंग जो है सर पहला जो